तो हेलो भाई और बहनों, आज की हमारी इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं GTA 6 को जो है किस किस कंसोल में आने वाला है। जहाँ अपना देखो, मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से कंसोल में आएगा। जहाँ अपना देखो, इस वाले वीडियो का जो टॉपिक है वो है PS4 और Xbox One। जहाँ अपना देखो, बहुत सारे लोग जो है उनके पास जो है PS4 और Xbox One जो है, जो ओल्ड कंटेंट क्रिएटर है। जहाँ अपना देखो, ओल्ड की तो हम बात नहीं कर रहे, बहुत सारे लोग जो अभी यूज़ कर रहे हैं। जहाँ अपना देखो, PS4 है या फिर एक्सबॉक्स वन वाला कौनसोल है, उन भाइयों के लिए जो है आज की ये वाली वीडियो का टॉपिक जो बनने वाला है। तो भाई और बहनों, आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जहाँ अपना देखो, रेगुलरली ऐसी वीडियो आती रहती है GTA 6 के रिगार्डिंग। जहाँ अपना देखो, आपको ट्राई करना है जो कि मैंने आपको वीडियो में बताया है। और साथ में ना देखो, आज के वीडियो जो है उसका टॉपिक जो है बताने वाला हूँ कि GTA 6 जो है वो प्ले स्टेशन 4 और Xbox One में जो है आएगा या नहीं आएगा। जहाँ अपना देखो, Take-Two इंटरेक्टिव की जो मीटिंग थी, बहुत ही लंबी मीटिंग गई थी रॉकस्टार की कंपनी की तरफ से। जहाँ अपना देखो, Take-Two इंटरेक्टिव ने भी बता दिया है कि जो GTA 6 है वो 2025 में आने वाला है। जहाँ अपना देखो, 2025 में मैंने आपको पहले ही रिलीज डेट बता दी थी, नवंबर अक्टूबर। जहाँ अपना देखो, अक्टूबर नवंबर जो है उसका रिलीज डेट है। जहाँ अपना देखो, उस हिसाब से क्या रहता है। तो देखो, गिने चुने लोग नहीं बता रहा हूँ, करोड़ों में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, करोड़ों के भी ऊपर। जहाँ अपना देखो, करोड़ों के ऊपर भी आते हैं। जहाँ अपना देखो, PlayStation 4 और Xbox One के प्लेयर है जो कि पुराने खिलाड़ी है, वो भी यही चाहते हैं कि हम GTA 6 को जो है हमारे छोटे कंसोल में प्ले करें। जहाँ अपना देखो, जो PS4 है वो थोड़ा ओल्ड नहीं है, नया ही है। जहाँ अपना देखो, GTA 6 जो है उसमें आप प्ले कर सकोगे। तो कैसे मैं आपको बताना चाहूँ, तो PlayStation 5 जो है मतलब 7-8 साल हो चुके हैं उस कंसोल को जो आए हुए मार्केट में। जब मैंने देखो, तब तक तो पहले तो जो है PS4 ही चल रहा था, उस हिसाब से बड़े बड़े गेम जो है वो भी नहीं आने वाला है। जहाँ पर देखो, GTA 6 ही नहीं, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े गेम हैं जो कि PlayStation 4 है, Xbox One है, उसमें नहीं आएंगे। देखो, मैं बता नहीं सकता, बट ऐसे बहुत सारे गेम हैं। जब मैंने देखो, एक गेम निकल के आता है वेलवोरिन का भी, जो कि बहुत ही बड़ा वाला गेम है। जब मैंने देखो, अब हम बात करते हैं GTA 6 की, और GTA 6 जो है वो थोड़ा सा पॉसिबल है। जहाँ अपना देखो, इम्पॉसिबल को नहीं बता सकता, बट थोड़ा सा पॉसिबल है GTA 6 जो है वो PS4 में आए और Xbox One में भी आए। जहाँ अपना देखो, थोड़ा सा वेट भी करना। जहाँ अपना देखो, मैं आपको बताना चाहूँ तो रॉकस्टार ने पहले भी यही किया था अपनी सीरीज रेड डेड रिडेम्पशन 2 में। जहाँ अपना देखो, वो PC में पहले नहीं आता है, कोई सा भी बड़ा गेम है वो पहले PC में नहीं आता है, फिर बाद में हटके जो 5-6 साल चले जाते हैं। बट रॉकस्टार की तरफ से जो रेड डेड रिडेम्पशन है वो 5-6 साल भी नहीं लिए थे उसने, 2-3 साल में ही आ गया था PC में। बट इस गेम को जो आप प्ले करना चाहते हो PS4 में या फिर PC में, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है, यही बताना चाहता हूँ। इस वाली वीडियो का टॉपिक जो है हमारा यही था। जहाँ पर ना देखो, आपको थोड़ा सा वेट करना है, थोड़ा सा डिले भी हो सकता है PS4 या फिर Xbox One या फिर PC की बात करें। जहाँ पर ना देखो, बहुत सारे लोग जो इस गेम को PC में भी प्ले करना चाहते हैं। जहाँ पर देखो, उनके लिए मैं बताना चाहूँ तो ये गेम जो है थोड़ा सा डिले हो सकता है, यहाँ तक मैं कह सकता हूँ 5 साल भी लग सकते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं, उतना अपने हिसाब से जो है मैं कह सकता हूँ। और होपफुली भाई और बहनों, आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। देखो, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, उतना काम करते होते अच्छा लगा कमेंट कर जरूर करके जाना भाई की वीडियो में। जहाँ अपना देखो, रेगुलर वीडियो आती रहती है यूट्यूब चैनल विपुल गेमर्स में, तो मैंने जो भी बताया उतना काम जरूर करना। और देखो, मैं मिलता हूँ किसी के नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइज।